Hey guys, welcome back to my another vlog. This is your Pranav Sharma, and if you are new to this channel, I'll be very happy if you take a moment and subscribe my channel below. दोस्तों आज है संडे का दिन और मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ हरे कृष्णा गोल्डन टेम्पल के दर्शन के लिए। वैसे मैं इस मंदिर में पर्सनली कई दफ़ा आके दर्शन कर चुका हूँ, लेकिन सोचा कि क्यों ना आज आपके साथ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाए और थोड़ी सी इस मंदिर से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा किया जाए। तो मैं निकल पड़ा ऊबर ऑटो में मंदिर की ओर। दोस्तों हरे कृष्णा गोल्डन टेम्पल हैदराबाद के बंजारा हिल रोड पर स्थित है। यह तेलंगाना स्टेट का फर्स्ट गोल्डन टेम्पल है, जिसका इनॉग्रेशन इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने 2018 में किया था। दोस्तों मंदिर पहुंच चुके हैं और बाहर से ये मंदिर कुछ ऐसा सा दिखता है। मंदिर अपने आप में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही विशाल है। इतना ही नहीं, इस मंदिर से जुड़ा इतिहास और इसकी रोमांचक कहानियां इस मंदिर को और भी ज्यादा विशेष बना देती हैं। कहते हैं कि आज से 7000 वर्ष पूर्व श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी जी यहाँ पर खुद स्वयंभू हुए थे, यानी कि सेल्फ मैनिफेस्ट हुए थे, और उसके कुछ समय के बाद भगवान शिव भी यहाँ पर स्वयंभू हुए। यही कारण है कि इस मंदिर का निर्माण यहाँ पर किया गया और 2018 में इसे पुनः इनॉग्रेट किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, जो ध्वज स्तंभ इस मंदिर में बनाया गया है वो 50 फुट का है और वो पूरा गोल्ड का बनाया गया है। साथ ही 4600 स्क्वायर फुट से भी बड़ा महामंडपम इस मंदिर में है, और उसके साथ ही राजगोपुरम की जो 5 सीढ़ियां बनाई गई हैं वो पूरी तरीके से गोल्ड से बनाई गई हैं। आइए दोस्तों मंदिर में अंदर प्रवेश करते हैं और दर्शन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हर संडे को भगवद गीता का ज्ञान दिया जाता है। ये सभी लोग भगवद गीता सुन रहे हैं बैठ करके, और शाम के समय में ये बहुत खूबसूरत लगता है लाइटिंग्स के साथ। और ये जो पीछे आप पत्थर पहाड़ देख रहे हैं, इस पर फाउंटेन चलता है, ये बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आप आ सकते हैं तो आप शाम के समय ज़रूर आएँ। दोस्तों राधा कृष्ण जी की वीडियो अलाउ थी, लेकिन जो श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी जी और भगवान शिव जी जो स्वयंभू हुए हैं उनका वीडियो अलाउ नहीं था। तो मैं बहुत दूर से मैंने फिर भी प्रयास किया कि मैं वीडियो बना सकूं, थोड़ा सा ब्लर होगा लेकिन आप दर्शन कर सकते हैं।
दोस्तों मंदिर सुबह 7:15 AM पर खुलता है, दोपहर के 12:15 पर क्लोज हो जाता है और शाम को दोबारा से 5:15 पर खुलता है और रात 8:15 पर क्लोज हो जाता है। मंदिर के टाइमिंग की डिटेल्स और लोकेशन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप गो थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें आपको राधा कृष्ण जी, लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी जी, भगवान शिव जी और बजरंग बली सभी भगवान के एक ही जगह पर दर्शन हो जाएंगे। इनकी अपनी यहाँ पर प्रसादम की शॉप है जो आप प्योर देसी घी में बनी हुई है, यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। साथ ही काउ प्रोडक्ट्स के बने हुए आइटम यहाँ पर जैसे धूप बत्ती, अगरबत्ती और नेचुरल मेड परफ्यूम्स भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे, आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। दोस्तों इस मंदिर में इनका आश्रम भी है जहां पर बाहर की कंट्री से आए श्रद्धालु यहां पर स्टे कर सकते हैं या फिर इंडिया के भी कुछ पिलग्रिम्स यहां पर आकर स्टे कर सकते हैं। साथ ही इनकी बहुत ही विशाल गौशाला है, आइए चलते हैं गौशाला की ओर। ये देखिए दोस्तों कितनी सारी गायें यहाँ पर हैं, आप इन गाय की सेवा यहाँ पर आकर कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर इन्होंने गाय को खिलाने के लिए खाने का प्रबंध भी किया हुआ है, आप परचेज करके इन गाय को अपने हाथों से खिलाकर पुण्य कमा सकते हैं।
और दोस्तों ये एक शॉप है जहां पर आप गाय को दान करने के लिए उनके लिए खाना खरीद सकते हैं, और साथ ही यहां पर बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स और नेचुरल मेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनको आप यहां से शॉप कर सकते हैं। गौशाला से बाहर निकलने के बाद आपको प्रसाद ग्रहण करना है और उसके बाद आप मंदिर से एग्जिट कर सकते हैं। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ हिट द लाइक बटन इफ़ यू रियली लाइक माय वीडियोस। प्लीज़ शेयर माय वीडियोस टू एज मैनी पीपल एज यू कैन, एंड येस इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब माई चैनल येट प्लीज़ डू सो। टिल माई नेक्स्ट वीडियो विल बी अवेलेबल on my YouTube channel. Stay tuned, stay connected. Hare Rama, Hare Krishna.